नमस्कार, मैं इस समय बेगूसराय से करीब 30 किलोमीटर दूर सुदूर देहात क्षेत्र डंडारी के पास, डंडारी ब्लॉक के अंतर्गत, ये कौन सा गांव है, डंडारी ही गांव का नाम भी है, और डंडारी पंचायत में नीलम देवी मुखिया जी के पास मैं यहां हूं। और यहां के जनता की बहुत बड़ी शिकायत ये है कि प्रखंड पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में संलिप्त है, और इतने यहाँ पे तकलीफ पहुँचाई जा रही है आम जनता को, साथ ही जनप्रतिनिधि भी परेशान दिख रहे हैं। और आज मैं आपको यहाँ के काम करने वाली महिला, जो घरों से निकल करके लोगों की सेवा में हाजिरी लगाने हेतु, नीलम देवी जो मुखिया हैं वर्तमान, मैं उनके घर पे हूँ, और मुखिया से मेरा निवेदन है कि वो अपनी संवेदना प्रकट करेंगे। मैं श्रीमती नीलम देवी डंडारी पंचायत के मुखिया हूँ। यहाँ को जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, वो नहीं तो शौचालय पर ध्यान देते हैं, नहीं तो वृद्धा पेंशन पर ध्यान देते हैं, नहीं तो कन्या विवाह योजना पर ध्यान देते हैं, नहीं तो सात निश्चय पर ध्यान देते हैं। यहाँ की जनता बहुत परेशान है। जो कि बलिया वाला BDO साहब प्रखंड विकास पदाधिकारी थे, उन्हीं को समय में 600 शौचालय पेमेंट हो चुका है। जब से ये BDO साहब आए हैं उस दिन से अभी तक मात्र 35 को शौचालय पेमेंट हुआ है। और जो भी जनता जाती है उसको झंझकार मुझकार कर वहाँ से भगाती है। हम भी गए थे, कितना बार उसको साथ रखे हैं, लेकिन वो मजाक में टाल टाल कर आज तक गुजार दिए हैं, जो कि लगभग 1 साल हो चुका है। अभी तक वो कोई भी बात को रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं, जो कि इसलिए हम भी परेशान हैं, हमारे जनता तो है ये है परेशान। BDO साहब का क्या नाम हुआ? राघवेंद्र त्रिपाठी। राघवेंद्र त्रिपाठी जी BDO साहब हैं। हाँ, ये कब से है यहाँ पे? लगभग इनको 1 साल हो चुका है। और इस 1 साल में जनहित में कुछ काम हुआ है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, मात्र 35 को शौचालय का पेमेंट हुआ है और कुछ नहीं हुआ है अभी। पास कितना हुआ है? टोटल पास था 1235, जिसमें 600 पेमेंट, जो कि बलिया वाला BDO साहब थे विकास बाबू, उन्हीं का पेमेंट हो चुका है। जब से ये आए हैं मात्र 35 को शौचालय का पेमेंट हुआ है। आप ऐसा मानती हैं कि यहाँ पे जो ब्लॉक है, जो ब्लॉक परिसर है, वहाँ पे दलाल भी होते हैं? अब ये सब क्या होगा, दलाल उलाल को चक्कर तो थोड़ा बहुत ही है, लेकिन कोई भी दलाल काम नहीं करता है। जो कि प्रखंड विकास पदाधिकारी इसको जिम्मेवारी है, वो अभी तक कुछ काम सुनने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी आपका, जो आपने जनहित में इतनी सारी बात रखी।